एक एक सेकंड और एक एक मिनट मेरी मौत और जिंदगी का सहारा रहता था कि कब ये मेरी हत्या कर देंगे, कब मेरा अपहरण करा लेंगे। अतीक अहमद से लड़ने का मतलब मौत, क्योंकि उसका इतिहास कर रहा है उसके खिलाफ खड़ा हो जाना, वो मरवा देगा, उसके खिलाफ कुछ बोल दो तो मरवा देगा। माफिया अतीक अहमद का अंत हो चुका है। लंबे समय तक लोग अतीक के दहशत में रहने को मजबूर थे। कई लोग उसके खिलाफ डटकर लड़ाई भी लड़ रहे थे, लेकिन सबके मन में एक डर जरूर था। उमेश पाल हत्याकांड में हो रही कार्रवाई के बाद कई लोगों ने हिम्मत जुटाई और वो कैमरे पर अतीक के आतंक की कहानियां सुनाते दिखे। मुझसे 1 करोड़ रुपए की रंगदारी अक्सर मांगी जाती थी, अगर रंगदारी नहीं दोगे तो मकान खाली करो, मकान रजिस्ट्री करो, जान से मारने की धमकी अक्सर मुझे दी जाती थी। किसी तरह हम आज 3-4 साल से अपनी जान बचाते बचाते यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं अपना किसी तरीके से गुजर बसर करते थे। अतीक अहमद अपने गुर्गिया साथ कालिया और अली अतीक अपने बेटे को भेजता है 25 लोगों के साथ, और हमको यहीं पे घेर लेते हैं, यहीं पे जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। जी यहीं पे घेर के हमको, और उसके बाद हम लोगों को घेर के तुरंत जो है पिस्टल राइफल कट्टा सटा देते हैं और कहते हैं कि लो अब्बा से बात करो। तो मैंने बात करी तो फोन पे वही जैसे गुंडा जैसे बात करता है कि मैंने कहा जी बोलिए क्या ऐसा है कि तुझको बहुत नेतागिरी आती है। तो उससे मैंने कहा है ना कि जमीन या तो साजिश परवीन के नाम लिख दे मेरी बीबी के नाम, नहीं तो मुझे 5 करोड़ रुपये रंगदारी पहुंचा दे। उसके कहने मतलब यह था तो या तो जमीन दे दो और नहीं तो इसी जमीन को बेच के मुझे पैसे दे दो, उसका यही कहने का मतलब था। तो जब मेरी कुछ देर बाद आवाज नहीं निकलती है तो वो तुरंत उधर से कहता है कि अबे अली लगता है इन लोगों के समझ में नहीं आ रहा, मार खत्म करो। माफिया के खिलाफ गवाही देना, मौत को दावत देना, या तो जो अतीक अहमद का फंडा है या तो किसी फर्जी मुकदमे में आपको फंसा करके वो जेल भेज देता है, जैसा कि मेरे साथ हुआ है, मेरे पूरे परिवार के साथ हुआ है। अतीक के बेटे असद की मौत के बाद कई लोगों ने खुलकर योगी सरकार की कार्रवाई पर खुशी जताई और अतीक के खात्मे की मांग करते दिखे थे। हमारा करेजा ठंडा हो गया, हमारी पूरी परिवार का, हमारे पूरी पूर्ववासी की, ऐसा होना चाहिए जो आन का घर उजारेगा उसका घर उजरेगा। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है, उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। मैं उनका बार बार आभार व्यक्त करूंगी कि वो पिता समान सब है, उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया। हम योगी बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, जो गुलाम थे उन्होंने मेरे भाई के 3 गोलियां बरसाई थी और जिन्होंने पूरी साजिश की थी, अशरफ वो और जो है अतीक ने इन लोगों ने साजिश की थी, उन लोगों का यही जो परिणाम मिला है इससे हम बहुत खुश हैं। जब मारल गए ने कुत्ता जेल के संतोष मिला, शांति आई। बता दें कि अतीक के बेटे असद को 13 अप्रैल की दोपहर UPSTF ने एक एनकाउंटर में झांसी में मार गिराया था। अब अतीक की मौत पर लोगों ने खुशी जताई है। उमेश पाल हत्याकांड में शहीद हुए गनर संदीप निषाद के परिवार वालों ने अतीक की मौत के बाद कहा कि अब कलेजे को ठंडक मिली है। बता दें कि 15 अप्रैल की रात करीब 10:30 बजे माफिया को उसके भाई अशरफ अहमद के साथ पुलिस कस्टडी में 3 अपराधियों ने गोलियों से भून डाला था। इसके बाद 16 अप्रैल की रात उन दोनों को कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। इसके साथ ही अतीक के आतंक का अंत हो गया। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।